इवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली आए कहां से? आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे जानवर और जीव जो आप आज के दिन देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास ये इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व किए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्लास, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाके टहनियां बनती हैं, उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती हैं। ऐसे ही आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखोगे इस पेड़ की, एंड पॉइंट जो है, वो आज के दिन मौजूद सारे जिंदा जीव हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगा कि ये जो हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बन गए और कुछ चिंपांजी बने, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहे तो हर किसी में कॉमन एंसेस्टर्स देखने को मिलेंगे। इंसानों और बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर, इंसानों और गाय भैंसों का एक कॉमन एंसेस्टर, सारे जानवरों और सारे पेड़ पौधों का एक कॉमन एंसेस्टर। पीछे हम टाइम में जाते गए तो इस सब की शुरुआत होती है अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन साल पहले। धरती पर नजारा उस वक्त कुछ और ही था। कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे अर्थ पर। धरती के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और इसी पानी में लाइफ की शुरुआत होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने एक बड़ा सिंपल नाम दिया है इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को। इन्होंने इसे बुलाया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, शॉर्ट फॉर्म में हो गया FUCA। उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई DNA नहीं था, बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो एक RNA में असेंबल हो गए। इस RNA ने एक मॉलिक्यूल बनाया PTC नाम से और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर गया, जिससे ये फूका बना। हम सबका ये पहला एंसेस्टर एक सेल भी नहीं था। आज के दिन हम एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, लेकिन अगर ये फूका सेल भी नहीं था तो क्या ये एक जिंदा चीज भी थी? ये लिविंग था या नॉन लिविंग था? इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक वायरस को इमेजिन करो। एक वायरस को ना तो लिविंग कहा जाता है ना नॉन लिविंग कहा जाता है। अपने आप में वायरस ग्रो या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी में ना हो। कुछ ऐसा ही इमेजिन कर लो। यहाँ पर मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस शुरुआत के हिस्से पर अपना एक अलग वीडियो बन सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि जो वायरसेस हम आज के दिन देखते हैं, उनका एवोल्यूशन या तो लूका के पहले शुरू हुआ होगा या तो लूका के साथ वायरसेस ने को इवॉल्व करना शुरू किया होगा, क्योंकि शुरुआत से ही वायरसेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है एवोल्यूशन में। इवन दो COVID-19 वाला वायरस एक कलंक रहा वायरस की फैमिली पर, लेकिन हमारे आज के दिन जिंदा रहने के लिए सबको किसी न किसी प्रकार के वायरसेस की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। ऊपर आए तो लूका का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिला सेल डिविजन के द्वारा, और काफी मिलियंस ऑफ सालों बाद एवोल्यूशन हुआ जब लूका 2 में ब्रांच आउट कर गया। बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, बस फर्क ये है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मामले में इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहां पर निकलता है ऑक्सीजन। तो जब ढेरों ऐसे साइनोबैक्टीरिया समुद्र में मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीजन हवा में रिलीज होती है। इस इवेंट को बुलाया जाता है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, और इसी के बाद ही धरती की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती। ये इवेंट हुआ था आज से करीब 2.2 बिलियन ईयर्स पहले। तो एवोल्यूशन होती है यहां पर डीएनए को और स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड बनाने की कोशिश करी जाती है, और इसी के चलते सेल में एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर एक जगह पर डीएनए को रखा जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया था साइटोप्लाज्म, वहां पे भी एवोल्यूशन देखने को मिलती है। कुछ टाइप का साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। यही कारण है कि सारे पेड़ पौधे आज के दिन फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और यहां से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। एवोल्यूशन होने के पीछे एक्चुअली में कारण क्या है? 4 मेन कारण बताए जाते हैं
और इन चार कारणों को हम कहते हैं फोर फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन। एक सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि एवोल्यूशन की टाइमलाइन क्या होती है, एवोल्यूशन कितनी तेज या कितनी धीरे होती है। इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है। एवोल्यूशन को होने में कई लाखों साल का समय भी लग सकता है, जैसा कि हमने मैमल्स के केस में देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये एक दो साल के अंदर भी हो सकती है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। SARS-CoV-2 वायरस जो था उसमें ही कितनी म्यूटेशन हमने देख लिया जब से COVID-19 पैंडेमिक शुरू हुआ, कभी डेल्टा वेरियंट तो कभी ओमिक्रॉन वेरियंट। ये एवोल्यूशन नहीं तो और क्या हो रहा है। इसीलिए बड़ी हैरानी की बात है कि आज के दिन के कुछ लोग एवोल्यूशन को सच मानते नहीं है। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं बल्कि एक फैक्ट भी है। जब हम थ्योरी शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, उसका मतलब है एक साइंटिफिक थ्योरी। एक साइंटिफिक थ्योरी तभी बनाई जाती है जब हमारे पास भरपूर एविडेंस यहाँ मौजूद हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ बिग बैंग और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन ये सारी चीजें फैक्ट भी है। इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि कितना एविडेंस है जो एवोल्यूशन को प्रूफ करता है, लेकिन इसे काउंटर करने के लिए ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो साबित कर पाए कि एवोल्यूशन सच नहीं है। एस्टिमेट किया जाता है कि आज के दिन करीब 97% साइंटिस्ट का मानना है कि एवोल्यूशन एक सच्चाई है। जो हुआ उस सब की एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।